हे स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5 करेंगे, एन ईपीथी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाल्टर डी ला मेयर मेक एस अवेयर ऑफ डेस। कह रहा है कि जो वाल्टर डी ला है वो किस लिए मार्क कर रहे थे, किस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। ऑप्शन ई है इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, बी है पॉवर्टी, सी है ड्रीम और डी है लंदन लाइफ। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इज आवर करेक्ट आंसर इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। वो चाहते थे कि लोगों में ये जो नई मॉडर्न है वो चीज़ उन पे आए, वो अवेयर हो पीपल की। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वाल्टर डी ला मेयर वॉज बर्न इन दिस ईयर। कह रहा है कि वाल्टर डी ला है मेयर, उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ई है 1852, बी है 1867, सी है 1873 और डी है 1819। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1873। एन ईपीथीप वॉज अ ब्यूटिफुल। जो कह रहा है कि वो जो चैप्टर है एन ईपीथीप वो किस चीज़ से डील करता है, किसकी ब्यूटीफुल से, सुंदरता के। ऑप्शन ई है गर्ल्स, बी है लेडी, सी है बेबी एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी। आप लोग ये चैप्टर पढ़े हो ना, वो लेडी से कंपेयर करता था एन ईपीथीप। ब्यूटीफुल जो वर्ड थी वो लेडी के लिए स्टैंड था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द लेडी मेंशन इन द पोएम एन ईपीथीप बिलोंग्स टू। कह रहा है कि जो चैप्टर है एन ईपीथीप उसमें जो लेडी नेम से जो पोएम मेंशन किया गया है वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी, कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ई है द नॉर्थ कंट्री, बी है द ईस्ट कंट्री, सी है द वेस्ट कंट्री एंड डी है द साउथ कंट्री। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द वेस्ट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोएट्रिक डिवाइस विच इज़ मेजर इन द पोएम एन ईपीथीपी। कह रहे हैं जो पोएट्रिक डिवाइस होता है जिससे पोएम मेजर होता है वो चैप्टर में ईपीथीप किस लिए स्टैंड है, उसका नाम क्या है जो चैप्टर में पोएम को मेजर करता है। ऑप्शन है मेटाफोर, बी है स्माइल, सी है पर्सनलिफिकेशन और डी है एम्ब्यूगिटी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इम्ब्यू गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन ईपीथीप मीन्स टू। कह रहा है कि जो पोएम में एन ईपीथीप नाम की जो चैप्टर है उसमें एक वर्ड है क्रम्बल, वो किस लिए पोएम में किस लिए यूज किया गया है। ऑप्शन ए है डाई, बी है लाइव, सी है सफर एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो डेथ के लिए क्रम्बल वाला जो वर्ड था चैप्टर में यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है डेथ वॉज ऑन विद द ऑर्डर ऑफ द मैरिट इन 1953। कौन है इसमें पोएम का नाम दिया गया है और कह रहा है कि जो ऑर्डर लिस्ट में थे मेरिट लिस्ट में इन 1953 उसमें से आपको पहचानना है कि कौन थे वो पोएम। ऑप्शन ए जॉन डोन, बी है विलियन वॉल्टस्टोन एंड सी है वाल्टर डी ला मेयर एंड सी है डी है प्रेसी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वाल्टर डी ला मेयर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु हैज़ कम्पोज द पोएम एन ईपीथीप। कौन है इस चारों में से ऑप्शन जो पोएम एन ईपीथीप कम्पोज किया है, बनाया हुआ है। ऑप्शन ए है वाल्टर डी ला मेयर, बी है रॉबर्ट ब्राउक, सी है डी एस लॉरेंस एंड डी है डब्ल्यू एच ऑर्डेन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। कह रहे हैं कि जो राइटर हैं हमारे चैप्टर के वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए 19th सेंचुरी, बी है 20th सेंचुरी, सी है 18 एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20th सेंचुरी से वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है वाल्टर डी ला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ द मैरिट विज द क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन। कह रहे हैं कि जो हमारे राइटर हैं उनके जो ऑर्डर थी मैरिट लिस्ट में वो क्वीन जो थी हमारे चैप्टर में एलिजाबेथ सेकेंड वो उनके साथ अवार्ड
कब किस सन में उन्होंने रिसीव किया था। ऑप्शन ए है 1951, बी है 1952, सी है 1953 और डी है 1954। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1953। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वाल्टर डी ला मेयर वॉच कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर क्या है। ऑप्शन ए है पोएट, बी है नॉवलिस्ट, सी है शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड डी है ऑल ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, वो सारे हैं, नॉवलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है और पोएट भी है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वाल्टर डी ला मेयर सो फ्रीज इंटरेस्टेड इन डैश थीम कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर जो है वो किस में अपना रुचि दिखाते थे। ऑप्शन ए है ओल्ड, बी है मेडिवल, सी है लव एंड डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर है ए ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है। वाल्टर डी ला मेयर हैज़ रिटन द पोयम, इसमें से कौन से पोयम जो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है सोल्जर, बी है फायर इन, सी है स्नेक और डी है एन एपिथीप। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉट ए स्टूडेंट, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे वाल्टर डी ला मेयर न्यू ए डैस हु नाउ डेड कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर जो थे वो जानते थे कि कौन है वो जो मरने वाला है। ऑप्शन ए है गर्ल्स, बी है लेडी, सी है बॉय, डी है नॉन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वो जानते थे कि ये लेडी जो चैप्टर में है वो अब डेथ करने वाली है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन वाल्टर डी ला मेयर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ कह रहा है कि वाल्टर डी ला के द्वारा जो पोएम लिखा गया है, सॉन्ग लिखा गया है, उसका नोट हमारे लिए क्या है, मतलब उसमें क्या हम सब के लिए है। ऑप्शन ए है बी सरप्राइज, ए सरप्राइज, बी एक्साइटमेंट, सी है मेला कोड़ी एंड डी है होप। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द पोएट थिंक दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग पोएम जानते हैं कि कौन को क्या इसमें चीज़ है जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए है ब्यूटी, बी है क्यूरली, सी है यूक्लिनिस एंड डी है लव। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द लेडी हु इज डेड लाई इन दी जो मरी हुई औरत थी पोएम में वो कहाँ पे लेटी हुई थी। ऑप्शन ए है गार्डन, बी है ग्रैप, सी है फील्ड एंड डी है हाउस। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वो ग्रैप पे लेटी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड द हार्ट वाज सी इज अ टेकन फ्रॉम कह रहे हैं कि जो वर्ड है लाइट ऑफ स्टेप एंड द हार्ट वाज सी इज अ टेकन फ्रॉम इसमें से कौन से चैप्टर में से लिया गया है। ऑप्शन ए है फायर इन, बी स्निंग, सी एन एपिक एन इपिथेप और डी है सोल्जर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी का, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम ये जो चैप्टर है व्हेन आई एम क्रम्बल वो किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन है फायर इंथ, बी है द सोल्जर, सी है एन इपिथेप, डी है ऑडी टू एटम। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर द ब्यूटीफुल लेडी इसमें से कौन से पोएम है जिसके द्वारा पोएम बहुत ही अपने आप को उदास दिखाते हैं वो सुंदर औरत के प्रति। ऑप्शन ए है टू अटम, बी है द सोल्जर, सी है एन इपिथीप और डी है फायर इन। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एन इपिथीप। 21 है क्वेश्चन नंबर। हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट अ क्रिस्टन कह रहा है कि ये लाइन दिया गया और पूछ रहा है कि ये लाइन किसने द्वारा लिखा गया है कि व्हाई आई एम नॉट अ क्रिस्टन कि मैं क्रिस्टन क्यों नहीं हूँ। ऑप्शन ए है वाटर रूशल, बी है सीगा नोरियो, सी है डोरोथी एल शेयर एंड डी है बिल एसबर्ग। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल डैश इज टेकन फ्रॉम ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये चैप्टर में जो वर्ड है वो
यहाँ पे गिवन और पूछ रहा है कि वर्ड कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन ए है फायर रिम्ड, बी है ऑडी टू एटम, सी है स्नेक एंड डी है एन इपिथेप। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 22 का डी हो जाएगा। स्टूडेंट इसके पहले हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एक बार बुक पढ़ के ही मेरे क्वेश्चंस करना। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कि मैम कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हो, तो अब इससे ईजी क्लियरिटी क्या होती है मेरे को आप बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं वैसे पढ़ा दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।